नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या अंतर होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या अंतर होता है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में अंतर। दो पक्षों के बीच औपचारिक रूप से काम करने के लिए एग्रीमेंट यानी समझौता और कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्रीमेंट को हिंदी में समझौता और कॉन्ट्रैक्ट को अनुबंध कहा जाता है। ठीक है, दो पक्षों के बीच औपचारिक रूप से काम करने के लिए, इसके माध्यम से काम को आपसी सहमति और कुछ शर्तों के साथ किया जाता है। दोनों का ही अपना महत्व है, जो कि अलग अलग स्थितियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि लोग अक्सर इन इन दोनों के बीच दुविधा में पड़ जाते हैं, तो समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अलग अलग। देखते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट यह एक तरह का अनौपचारिक समझौता होता है, जो कि दो पक्षों के बीच किया जाता है। ठीक है, इसमें दो पक्ष अपनी आपसी समझ से किसी भी काम को लेकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, दो पक्ष आपसी सहमति से अपना अपना काम देखते हैं। इसमें समझौते का पालन करने के लिए किसी बाहरी साधन के बजाय पक्ष खुद से ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों से काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर नहीं होता तो फिर आपस में बैठते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी को करते हैं। ठीक है, बाहरी किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। और कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अक्सर किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ किया जाता है। यह एक कानूनी समझौता होता है, जिसमें व्यक्ति या कंपनी को एक समय सीमा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करना होता है। ठीक है, ये कानूनी है, वो अनौपचारिक था क्या एग्रीमेंट। ओके, ये कानूनी है, इसमें कोई व्यक्ति या कंपनी एक निश्चित समय में ही अपना काम पूरा करेगी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहेगा। वहीं कई बार कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा गुजरने की स्थिति में जुर्माने का भी प्रावधान होता है। इसमें काम करने के बदले राशि का भी भुगतान किया जाता है। ठीक है, अगर समय सीमा निकल गई, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया समय सीमा निकल गई, तो उसमें जुर्माना भी दिया जाता है, फाइन भी लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख अंतर क्या है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच, समझ लीजिए। सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं। ठीक है, सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कानूनी। ठीक है, उसमें आप प्रतिबंधित हैं कि इतने समय में आप काम करेंगे, अगर समय निकल गया तो आपको फाइन देना पड़ेगा। लेकिन एग्रीमेंट क्या होता है, आपस में बैठ कर सहमति से अपनी समझ से अपनी अपनी जिम्मेदारियों का काम किया जाता है, वो एग्रीमेंट होता है। दर्शन, तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्ताव, समझ, स्वीकृति और प्रतिफल देनदारी की जरूरत होती है, तभी इसे कानून द्वारा लागू किया जाएगा। जबकि एग्रीमेंट में यह सभी चीज़ें मायने नहीं रखती, फिर भी ये वैध है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्ताव, समझ, स्वीकृत, प्रतिफल सब कुछ रहेगा और कानूनी कानून द्वारा लागू किया जाएगा। लेकिन एग्रीमेंट में इन सब की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ लीगल होता है, वैध होता है। उदाहरण के से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके दोस्त ने आपसे आपकी गाड़ी उधार मांगी। आप दोनों के बीच इसे लेकर एक सहमति हुई कि आपका दोस्त कितने दिनों तक आपकी गाड़ी का इस्तेमाल करेगा, तो यह एक समझौता यानी एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, किसी ने उधार मांगी और आपने गाड़ी दे दी। ठीक है, तो ये एक तरह का एग्रीमेंट होगा कि इतने दिन बाद आपकी गाड़ी वापस कर देगा। वहीं यदि आपका दोस्त आपकी गाड़ी के बदले आपको कुछ रुपए की भुगतान करें, यानी कि आपको कुछ प्रतिफल मिले, तो ये कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध हो जाएगा।
ठीक है, आपने ऐसे ही गाड़ी दे दी, ठीक है, मांगी दोस्त ने, आपने दे दी कि इतने दिन बाद या इतने घंटे बाद वापस कर दूंगा। अगर आपने उतने समय के लिए पैसे लिए, कुछ भुगतान लिए, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनुबंध और समझौता, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या अंतर है? समझौता कानून द्वारा लागू होने पर अनुबंध बन जाता है। जब समझौते को, एग्रीमेंट को कानून द्वारा लागू किया जाता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। समझौते में कानून की आवश्यकता नहीं होती, एग्रीमेंट में कानून की आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H में उल्लेखित है। ठीक है, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H में उल्लेखित है अनुबंध के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। समझौता देखते हैं, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 2E में उल्लेखित है एग्रीमेंट के बारे में। अनुबंध का हमेशा कानूनी दायित्व होता है, ठीक है, क्योंकि कानून द्वारा ही लागू होता है अनुबंध। समझौता, समझौते में या एग्रीमेंट में, समझौते में परिस्थितियों के अनुसार कानून दायित्व निर्भर करता है, ठीक है, समझौते में परिस्थितियों के अनुसार कानून दायित्व निर्भर करता है। अगर दो पक्ष आप आपसे समझौता हुआ लेकिन कोई मुकर गया या नुकसान पहुंचा दिया, तब दूसरा पक्ष प्रतिफल देता है, ठीक है, इसमें दूसरा पक्ष प्रतिफल देगा। समझौते में इसकी ज़रूरत नहीं है, एग्रीमेंट में ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच अंतर समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।